भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मॉइस्चराइजर लोशन और क्रीम विकसित किया है जो खासकर महिलाओं में होने वाली विटामिन्स की कमी और पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करेगा। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित स्टार्टअप कंपनी का ये उत्पाद एनीमिया जैसे रोगों में लाभदायक हो सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। भारत में तकरीबन 50% महिलाएं एनीमिया यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार हैं। खासकर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं और नवजात शिशु एनीमिया के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के पोषक तत्वों की कमी भारत की मृत्यु दर के ग्राफ को बढ़ाती है। हालांकि शरीर में हीमोग्लोबिन या विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इन दवाओं का नियमित सेवन मुश्किल होता है। साथ ही सबके लिए ये उपलब्ध भी नहीं हो पाती। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब मॉइस्चराइजिंग लोशन और क्रीम के रूप में इसका एक बेहतर विकल्प विकसित किया है। There is a compliance issue. The moment you pop a pill, if it is an iron folic acid tablet, you will have some side effects like nausea, vomiting, constipation. So there way the people tend to discontinue the medications. So that's why we have come up with a new technology wherein it is a moisturizing lotion. We have to apply it just how you use a moisturizing lotion or a face cream. That's it. Pfizer और IIT दिल्ली के संयुक्त नवाचार कार्यक्रम के सहयोग से एक स्टार्टअप द्वारा ये खास मॉइस्चराइजिंग लोशन और फेस क्रीम 15 से 49 साल तक की महिलाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसका असर त्वचा से इंसान के रक्त तक पहुंचता है। ये लोशन महिलाओं के शरीर में B12, फॉलिक एसिड, विटामिन डी और आयरन जैसे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगा। आमतौर पर सभी महिलाएं कॉस्मेटिक के तौर पर किसी न किसी तरह के मॉइस्चराइजर या क्रीम का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए दवाओं के मुकाबले इस उत्पाद का इस्तेमाल उनके लिए काफी आसान होगा और इस एक लोशन से त्वचा और शरीर दोनों को पोषण मिलेगा। It's a unique combination. It's a dual benefiting effect, what we can say. One, it will replenish the micronutrient reserve. At the same time, it will provide the moisturizing effects for the body. So that's why we are designed in such a way that the women who are not prone to use all these high-fat products will have the benefit of the moisturizing lotion at the same time replenishing the micronutrient deficiencies. फिलहाल इस moisturizing lotion का pre-clinical परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत आशा, ANM और AWN कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस लोशन के इस्तेमाल से भारतीय महिलाओं में काफी हद तक एनीमिया की समस्या दूर हो सकेगी। और आखिर में देखते हैं हमारा